बार मेरे साथ बोलिएगा जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम सौभाग्य है कि इस वर्ष भी मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा, एक छंद सुनाती हूँ। सबसे पहले भारत के नौजवानों से अपील करते हुए ये छंद मैंने कहा है, सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने सुना। चार पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिए। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। अच्छा लग रहा हो तो तालियां बजा दीजिए एक बार। कि अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। वाह वाह वाह। और अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। और अगर ये चौथी पंक्ति आपके हृदय को स्पर्श करे तो बताइएगा कि अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। और चार पंक्तियां सुनिए। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। वाह वाह वाह। ये पंक्तियां गुरुदेव मैंने तब लिखी जब एक समाचार आया अखबार में, मैंने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि एक विदेश गया हुआ बेटा बहुत दिनों से, बहुत वर्षों तक वापस नहीं आया। माँ उसकी राह देखती रही और जब वो बहुत सालों बाद विदेश से वापस आया और उसने फ्लैट का ताला खोला तो वहां पर माँ नहीं थी बल्कि सोफे से चिपका हुआ माँ का कंकाल था। तब मैं संस्कार की पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत दीदी। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। कभी माँ बाप तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और जितने भी अभिभावक गण यहाँ बैठे हैं उन सबके लिए पढ़ती हूँ। कि भले चूड़ी
भले पायल भले ना हार देना तुम, और जन्म दिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना। वाह 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 वाह। अभी मंच से ये कहा गया, पूज्य गुरुदेव जी ने ये कहा कि मेरी ये बात है, इसे कोई तत्काल लिखकर सुना दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ, एक मैंने पूरा गीत ही रच डाला है, उसमें ये पंक्तियां जोड़ी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये त्रिमूर्ति यहाँ पर विराजमान है। मैं बिल्कुल नया ताजा ताजा गीत आपके सामने सुनाती हूँ। स्वागत सुनाऊ मैं? स्वागत स्वागत। मैं सुना दूं क्या? इतनी भोली सी सूरत, ऐसा लगता है कि मैं आपको बेटा कहूं, भाई कहूं, क्या कहूं, गुरुदेव कहूं, कुछ समझ नहीं आता है। कुछ नई पंक्तियां लिखी हैं, जोड़ी हैं, मैंने आपके सामने सुनाती हूं, आप लोग भी साथ दीजिएगा। आते दूर दूर से लोग, आते दूर दूर से लोग, तन के मन के कटते रोग, आते दूर दूर से लोग, तन के मन के कटते रोग, बन जाते हैं बिगड़े काम, जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर, मेरे साथ गाइए, जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। आते दूर दूर से लोग, तन के मन के कटते रोग, बन जाते हैं बिगड़े काम, जय 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 बागेश्वर धाम। ग्राम गढ़ा बुंदेलखंड का है ये गाम निराला, है ये धाम निराला, भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाला, पूरी करने वाला, निर्मल मन से जो भी आए, खाली झोली वो भर जाए, मिट जाए पूरा आराम, बोलो जय बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। सन्यासी बाबा की ये तो पावन तपस्थली है, पावन तपस्थली है, उसके तप से यहाँ स्वयं प्रगटे बजरंग बली है, प्रगटे बजरंग बली है, जय जय दादा गुरु महाराज, जय जय दादा गुरु महाराज, चलता साधु जी का राज, बोले सब मिल सीता राम, जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। बागेश्वर सरकार जहाँ पर भी दरबार लगाते, ये दरबार लगाते, बड़े बड़े सब भूत पिशाच निकल बाहर आ जाते, निकल बाहर आ जाते, पड़ती जब चिमटे की मार, पड़ती जब चिमटे की मार, सोटे की लगती फटकार, करते लोटम लोट प्रणाम, जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। बाबा ने जो कहा उसे सब जल्दी से अपनाए, अभी कहा,
बाबा ने जो कहा उसे सब जल्दी से अपनाएं, जल्दी से अपनाएं। मठ मंदिर के सभी खजाने खोल दिए अब जाएं, खोल दिए अब जाएं। अस्पताल बनवाएं, खूब विद्यालय खोलें, भरपूर हो कन्या विवाह का काम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो जय बागेश्वर धाम। बालाजी की महाप्रेरणा से जब ध्यान लगाते, ये जब ध्यान लगाते, पर्चा बनता जिसका उसके मन की बात बताते, मन की बात बताते। सच्चों पर अमृत बरसाते, झूठों की ठठरी बंधवाते, खर्चा ना रुपया ना दाम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो जय बागेश्वर धाम। और ये पंक्तियां सबके नाम। चमत्कार की धरती है ये नमस्कार की धरती, नमस्कार की धरती। इस धरती पर जो भी आता उसकी गति सुधरती, उसकी गति सुधरती। करुणा की बहती रसधार, सत्य सनातन का जयकार होता निश दिन आठों याम। जय 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 बागेश्वर धाम। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए जय जय जय, जय 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 बागेश्वर धाम। ऋषि मुनियों साधु संतों के चरण यहाँ पर पड़ते, चरण यहाँ पर पड़ते। कवियों और कलाकारों के नित नित मेले जुड़ते, नित नित मेले जुड़ते। अंबर से बरसे आनंद, जुड़ते हैं टूटे सब छंद, चिंता को मिलता विश्राम। जय 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 बागेश्वर धाम, जय जय यहाँ के लोग भी जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। धूमधाम से कन्याओं का शुभ विवाह होता है, शुभ विवाह होता है। घड़ी विदाई की आती तब भाई का रोता है, मन भाई का रोता है। सीता जी को मिलते राम, सीता जी को मिलते राम। रुक्मिणी को प्यारे घनश्याम, जोड़ी दिखती ललित ललाम। जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। इनको मैं गुरुदेव कहूँ, भाई मानू या बेटा, भाई मानू या बेटा। मंद मंद मुस्कान लिए मुखड़ा है बड़ा अनूठा, मुखड़ा है बड़ा अनूठा। भरते जब हिंदू हुंकार, भरते जब हिंदू हुंकार। करते अरि पर कड़ा प्रहार, मचता घमासान कोहराम। जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। और पिछले दिनों जो घटनाएं घटी आपके सामने रखती हूँ कि प्रश्नों के गोले ले चैनल बड़े यहाँ पर डा, प्रश्नों के गोले ले चैनल वाले यहाँ डटे थे, चैनल वाले यहाँ डटे थे। उत्तर देने को बाबा भी पीछे कहाँ हटे थे, पीछे कहाँ हटे थे। गोले चलते दन दन दन, गोले आते दन दन दन। उत्तर पाते सनन सनन, अंततः चैनल गिरे धड़ाम। जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम, जय 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 बागेश्वर धाम। आज कीर्ति काले ने अपनी कविता खूब सुनाई, कविता खूब सुनाई। उतनी जोर से लेकिन तुमने ताली नहीं बजाई, वाह दीदी वाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब बहुत जोर से अच्छे से बजा दी ताली कि आज कीर्ति काले ने तुमको कविता खूब सुनाई, कविता खूब सुनाई, उतनी जोर से लेकिन तुमने ताली नहीं बजाई, ताली नहीं बजाई। ऊपर दोनों हाथ उठाओ, ऊपर दोनों हाथ उठाओ, अब सारे तालियां बजाओ, मिलकर बोलो सीताराम, जय 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 बागेश्वर धाम, 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 जय 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 बागेश्वर धाम। ये बार बार मुनि उठ जाते हैं। जब इनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखो शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो ये बोले कि मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। यहाँ पर कन्याओं का विवाह होने वाला है। जय हो दीदी वाह। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी, आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों। पहले सुन तो लेना चाहिए था, नहीं उधर से आवाज आ रही थी कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। यहाँ कन्याओं का विवाह होगा 8 तारीख को, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 155 कन्याओं का विवाह यहाँ पर होगा। जो निराश्रित कन्याएं हैं, स्वयं से उनके परिवार वाले विवाह नहीं कर पाते, तो हमारे गुरुदेव उनका विवाह यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। तो उसी कन्या विवाह के तहत एक रचना मैं सुनाती हूँ, जिसे सुनाने की आज्ञा मुझे पहले ही मिल चुकी है। स्वागत है। बेटी जब ससुराल जाने के लिए विदा होती है तो एक माँ उस बेटी से क्या कहती है। हमारे दिल्ली के बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं राजगोपाल सिंह जी, उनके 2 दोहे पहले सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि कैसा रस्म रिवाज है कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है कैसा ये दस्तूर, कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। आहा वाह 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 वाह। और नदिया के 2 तीर हैं बिटिया का संसार, कि नदिया के 2 तीर हैं बिटिया का संसार, और आधा जीवन इस तरफ आधा है उस पार। वाह वाह वाह। तो हम बेटियों का जीवन तो नदी के 2 किनारों की तरह होता है। ससुराल जाने के लिए बेटी विदा हो रही है और एक माँ अपनी विदा होती हुई बेटी से क्या कहती है, बस उसी का गीत है, मैं सुनाती हूँ। मंच को भी प्रणाम करते हुए ये रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ। भर भर आए नैना, बेटी विदा हो रही है। पटेरिया जी कहाँ गए? अरे तो आप इतने पीछे क्यों जाके बैठ गए, थोड़े से आगे तो बैठिए। सब लोगों को आपने आमंत्रित किया, इतने परिश्रम करके आमंत्रित किया।
कि भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे बिटिया चली है ससुराल, भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे बिटिया चली है ससुराल, और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी, कि माँ की दुलारी बिटिया बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, कि भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे बिटिया चली है ससुराल। आजकल मेरी बेटी की शादी की भी बातें चल रही हैं तो ये गीत गाते हुए मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, कि कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती रातों में बातों की लड़ियाँ पिरोती थी, लड़ियाँ पिरोती आँचल में छुप छुप के हंसती रोती, आँचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती, और कब तू सयानी हुई, कि कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे बिटिया चली है ससुरा। बहुत अच्छे दीदी, वाह वाह वाह। और देख रही हूँ बहुत सारी आंखें मेरे सामने नम हैं, और मैं अपने आप को किस तरह संभाले हुए हूँ ये मैं ही जानती हूँ, कि लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई आँख की पुतली तू
छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और अंत में माँ क्या कहती है, क्या सीख देती है अपनी बेटी को, कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी, कि फूले तेरी फुलवारी, आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी, आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली। और केवल चार पंक्तियां मुझे अपनी याद आती हैं, मेरी बहनें यहां पर उपस्थित होंगी, कुआ आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी, कुआ आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी, करो संघर्ष तो कीमत भी पाई पाई निकलेगी, रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी, तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मी बाई निकलेगी।